हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सलूटली फाइन सो टुडे वी विल सी कि आपके बैक में कौन आपके बारे में बात कर रहा है इज स्टॉकिंग बिहाइंड योर बैक सो यहाँ पे तीन पाइल्स हैं आप उनमें से अपना चूज कर सकते हो फेवरेट पाइल फर्स्ट इज दिस पर्पल फ्लावर सेकेंड वन इज़ दिस रिंग गोल्ड रिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ये फोन आपको जो भी अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए मेडिटेट करके थैंक यू सो मच हेलो वेलकम बैक फाइल नंबर वन जिन्होंने भी ये पर्पल फ्लावर चूज किया था आप बहुत ज्यादा हील कर रहे हो अभी ओके okay, हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं सब so, so, अब देख लेते हैं हु इज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक ये आपके मैसेजेस हैं जो भी वो बोलते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे पहले हम लोग आपके टैरो से चलेंगे ओके गाइस ओके गाइस तो जो लोग आपके बारे में आपके बैक साइड में आपके बिहाइंड में बोलते हैं उनका सनसाइन हो सकता है लिब्रा जमिना एक्वेरियस सबसे हैवी है इस रीडिंग पे जो भी आपके बिहाइंड में बातें कर बनाते हैं एंड पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है ये दो सनसाइन यहाँ पे हैवी हैं जो आपके बारे में बोलते हैं ये कोई लेडी है भाई सबसे पहली बात तो ये एक दिस इज अ लेडी हु डजेंट लाइक यू एक लड़की है या लेडी है जो आपको पसंद नहीं करती है एज इनकी ज़्यादा हो सकती है टू ऑफ शॉर्ट्स के साथ ये आपकी फ्रेंड हो सकती है आपकी स्टेलमेट हो सकती है आपके बारे में आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाती हैं बोलती हैं उल्टा सीधा कोई लड़की है यहाँ पे और एक लड़का भी है या दो तीन लड़के भी हैं यहाँ पे बट मोस्ट प्रॉब्ली एक लड़की है जो आपके बारे में गलत गलत बातें बोलती हैं दिस पर्सन डजन लाइक यू इनको अच्छा नहीं लगता आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ओके okay. एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके यू uh, नो you know, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो इंसान हो सकते हैं जो आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं लोगों में फैलाते हैं आपके बारे में बैक साइड में बातें करते हैं और यू नो यहाँ पे बैठ के बस हाँ हाँ करते रहते हैं नीचे लेटे हुए हैं यहाँ पे ओके हाँ हाँ कर रहे हैं ओके सो so, ये इंसान कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवोर्स्ड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ओनली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग सेकेंड एलाइंस उनके लिए है ये और जो लोग का ब्रेकअप हुआ है वो भी आपके बैक में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं जो लोग आपसे वॉक अवे हो चुके हैं ये इंसान ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं घूमने फिरने का इनका काम हो ये इंसान आपको पसंद नहीं करते हैं इन्होंने आपको इमोशनली ड्रेन किया हो सकता है क्योंकि सारे कप्स में पानी थे और वो सारे पानी यू नो खत्म हो चुके हैं बिकॉज ये इंसान वॉक अवे हो गया आपको गोस्ट किया हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए आपको बिना बताए छोड़ दिया हो सकता है कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए बिना झूठ बोला हो सकता है आपसे दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ये लोग आपको हमेशा यू नो टेंशन में देखना चाहते हैं जो भी आपके पर्सन है या जो भी हैं ये लोग जो भी हैं ये हमेशा आपको फियर और टेंशन में डालना चाहते हैं कि आप डरते रहें ज़िंदगी पर कभी किसी रिलेशनशिप में ना आए हमेशा रोते रहें उन लोगों को याद करते हुए इनका मोटिव ही यही है यही ये बात करना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो रोते हो रोंदड़ू हो हमेशा यू नो टेंशन में रहते हो ये लोग ये भी बातें बोलते हैं आपके बारे में कुछ लोग यहाँ पे एब्यूज़िव रिलेशनशिप में हो सकते हैं मार पिटाई थप्पड़ लात घूसे चाटे मुक्के सब कुछ पड़े होंगे ओके हस्बैंड वाइफ के बीच में और ये इंसान आपके बारे में बहुत खुश होते हैं आपको ऐसे हारा हुआ देख के एब्यूजिव रिलेशनशिप में आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करी होगी इस इंसान ने इन इस इंसान के साथ आपकी कोई झड़प हुई है पास्ट में और ये इंसान हार के जा चुका और आप जीत ये इंसान जीत चुके हैं और आप हार चुके हो जा चुके हो ऐसा कोई इंसान है जो भी आपके बारे में बिहाइंड में बोल रहा है आपके पीठ पीछे एंड ये चाहते हैं कि आप हमेशा हारें अपनी लाइफ में हमेशा हारा हुआ महसूस करें इनको खुशी होती है दिस दिस पीपल लाइक कि आप हमेशा हारे हुए नजर आए नाइट ऑफ कप्स है तो इसका मतलब ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ गया है या प्यार आने वाला है इस इंसान को बहुत जलन है कि आपके लाइफ में आप दोबारा दोबारा चांस लेते हो और आपकी ज़िंदगी में प्यार आता रहता है आपको नए पार्टनर्स मिल जाते हैं बहुत इजीली, ये भी इस इंसान को पसंद नहीं है इन लोगों को पसंद नहीं है अब इनमें से कुछ लड़के हो सकते हैं एक लेडी हो सकती है, एक लड़की हो सकती है जो ये सब बातें बना रही हैं अब देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस से वो क्या बोलते हैं आपके बारे में कैस इस इन लोगों के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है गा कुछ तो है यहाँ पे झगड़ा हुआ है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है कैस हुआ है ये ये बोलते हैं कि आप कैटिक हो आप बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हो समथिंग लाइक दैट ओके आपसे रेजिनेट हुआ तो डेफिनेटली बताइएगा फ्लिंग ओके okay. इनके साथ आपका कोई फ्लिंग चला होगा छोटा सा एक रोमांटिक फ्लिंग चला होगा आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होंगी और इस इंसान ने मना कर दिया होगा क्योंकि वो थ्री ऑफ शॉर्ट्स के ऊपर ही आया है तो कितना एग्जैक्ट है देख लीजिए कुछ लोगों के लिए यू डू यू ओके आप उन सारे लोगों से वॉक अवे हो जाते हो जो आपका दिल तोड़ते हैं तो ये ये बोलते हैं कि आप अपने यू you नो know, अपनी चीज़ें करते रहते हो आपको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता ये सारी चीज़ें बोलते हैं नेक्स्ट इज स्नीकी जो भी इंसान है जो आपको इस प्रॉब्लम्स में देखना चाहते हैं वो बोलते हैं कि आप स्निक हुई हो uh, मुझे लगता है कि वही स्नीकी हैं जिन्होंने आपको चीट किया है मुझे लग रहा है बट वो आपको बोल रहे हैं कि आप स्नीकी हो यू आर वेरी स्नीकी आई लव यू ओके ये बोल रहे हैं कि दिस पर्सन लव्स यू ये आपके पुराने हस्बैंड हो सकते हैं बॉयफ्रेंड हो सकते गर्ल फ्रेंड हो सकते हैं वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो चुका हो तो वो अब बोल रहे हैं कि दे लव यू बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है ओके फ्रस्ट्रेटेड ओके वो ये बोलते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो बहुत ज्यादा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हो यूट्यूब में काफ़ी फेमस हो सकते हो काफी लोगों में पॉपुलर हो सकते हो साइको वो ये बोलते हैं कि आप एक साइको हो ओके okay? जो भी ये लोग बोलते हैं आपके बारे में लोनली और लोनर ओबियसली स्पिरिचुअल पीपल आर लोन लोनर्स ओके उनको सोशलाइज करना पसंद नहीं होता तो वो बोल रहे हैं कि आप लोनर हो लोनली हो अकेले ही रह जाओगे हमेशा ऐसा समथिंग गलत गलत बातें बोलते हैं कोल्ड हार्टेड आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हैं वो ये बोलते हैं शायद आपने इस इंसान को छोड़ दिया है आप मूव ऑन हो चुके हो कुछ लोग डैमेज ये कहते हैं कि आपने इनको डैमेज किया है जबकि इस इंसान ने आपको डैमेज किया हो सकता है पॉसिबल योर नेक्स्ट कार्ड इज सैगी ओके आप सैगी हो ये बोल रहे हैं सेंटर्ड वो बोल रहे हैं कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो दूसरों के बारे में कम बात करते हो यू नो देंस की यू आर सेल्फिश समथिंग लाइक दैट ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग यू आर नॉट ए गुड पर्सन वो ये बोलते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है. okay. हैं ओके फाउल वो कहता है कि आपके मुंह से बदबू आती है या फिर यू you नो know, आपके कपड़ों से बदबू आती है समथिंग लाइक दैट वो ऐसे बोलते हैं आपके बारे में ये सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो हम देख लेते हैं क्या okay. ओके okay. ये सारे लोग आपको हर जगह फॉलो करते हैं टिकटॉक तो चला गया ट्विटर स्नैपचैट फेसबुक इंस्टाग्राम पहले करते होंगे तो ये सब जगह आपको फॉलो करते हैं ये लोग पजेसिव ये इंसान बहुत ज़्यादा पजेसिव भी हैं आपके लिए जो लोग ये लोग बोलते हैं आपके बारे में और या ये ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव इंसान हैं अनरिलायबल आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो वो ये कैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं आप अनरिलायबल हो अनप्रडिक्टेबल आपके मूड प्रडिक्टेबल नहीं कभी आप रोने लग जाते हो कभी खुश हो जाते हो कभी अच्छे से रहते हो तो समथिंग वो ये कह रहे हैं कि आपका मूड कभी भी चेंज हो जा हो सकता है सेल्फ डिफीटिंग वो हमेशा चाहते हैं कि आप सेल्फ डिफ़ीट हो हमेशा हारा हुआ महसूस करें वो तो आपके कार्ड्स टैरो बता रहा था स्कार आपके फेस पे स्कार हो सकता है कोई चोट लगी हो इस इंसान ने आपको मारा हो आपने इसको मारा हो समथिंग कुछ तो है आपके चेहरे पे कोई स्कार है जिसके बारे में ये लोग बातें करते हैं मुझे नहीं पता गई आप मुझे बता सकते हो अन स्टेबलाइज आपको स्टेबलाइज नहीं हो आप स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आप स्टेबलाइज नहीं हो आप इस रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हो समथिंग लाइक दैन ओके ये सारी बातें ये लोग बोलते हैं जो भी आपके बारे में बोल रहे होके सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज एट सो पतम सोन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली वी कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई इन द एडवीजन डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच लेट्स टू हेलो वेलकम बैक फायल नंबर टू जिन्होंने भी ये गोल्ड रिंग चूज़ किया था ये आपके मैरिड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके एंगेजमेंट टूटी हो आपका मैरिज टूटा हो इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है पाइल नंबर टू एंड या फिर हो सकता है कि आपकी बात बनते बनते टूट गई हो आपकी मैरिज समथिंग लाइक देट ऐसा कोई इंसान हो सकता है ये अब देख लेते हैं आपके टैरों के साथ चलते हैं पहले उसके बाद हम लोग आपके पर्सनल शफल करके देखेंगे ओके। सो so, जजमेंट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है जो आपके बारे में बोल रहा है इसने आपको कोर्ट केस में फंसाया हो सकता है ये आपका कार्मिक हो सकता है क्योंकि लिब्रा आ गया यहां Libra है यहाँ पे हैवी लिब्रा है यहाँ पे एरीस है मैजिशियन के साथ कोई भी सनसाइन डेविल के साथ केप्रिकोन एस ऑफ कप्स के साथ स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सो ये जो इंसान है इसके साथ आपका एक बेबी हो सकता है एक लड़का या लड़की हो सकती है या कुछ लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो आपने एक बच्चा अडॉप्ट किया हो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जो भी है यहाँ पे ये इंसान आपके बारे में टॉकिंग बिहाइंड योर बैक दैट यू आर वेरी जजमेंटल आप बहुत जजमेंटल इंसान है आप दूसरों को जज करते हैं ये कहने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड ओके okay? आप हमेशा अपना जजमेंट पास करते हैं या फिर इन्होंने जज के सामने आपके बारे में बहुत झूठ झूठ बातें बोली होंगी क्योंकि ये अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं एक नार्सिस इंसान हो सकते हैं जिसके साथ आपने पास्ट में डील किया हो दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज कुछ लोगों के लिए ओके okay, जो लोग सिंगल्स हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है ये पर्सन आपको जज करते रहते हैं हमेशा देख रहे हो आप ओके okay, हमेशा जज करते हैं ये ऐसा कोई इंसान है या ऐसी कोई लेडी है या लड़का है कोई भी है वो आपको जज करते रहते हैं कुछ लोग यहाँ पे कोर्ट केस में फंसे हुए हो सकते हैं विद द जस्टिस कार्ड ओके जस्टिस सिस्टम में फंसे हुए हो सकते हैं हो सकता है कि आपके खुद के लॉयर हो जो आपके बारे में बोल रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है आपको जाना कहाँ है समथिंग लाइक दैट या फिर ये हो सकता है कि आपके लॉ स्कूल में कोई पढ़ता हो वो आपके बारे में बोल रहा है समथिंग लाइक दैट एंड वो ये कहते हैं कि आप जस्टिस नहीं देते हो लोगों को आप झूठी झूठी बातें बोलते आप हो आप झूठे हो समथिंग लाइक दैट यू आर अ लायर समथिंग लाइक दैट ये इंसान बोलते हैं ये एक लेडी हो सकती है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एक लेडी हो सकती है कुछ लोग लिए आपके बॉस हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं जिनके साथ आपने काम किया हो सकता है जो काफ़ी एजड हो, हो सकते हैं उनके सारे बाल वाइट हो सकते हैं उम्र उनकी ज़्यादा हो सकती है फोर्टी से सिक्सटी तक हो सकती है इनकी एज ये इंसान आपके बारे में बोलते हैं बॉस हो सकते हैं इनके साथ आपका एक फ्लिंग चला होगा रिलेशनशिप में आए होंगे आप वो आपके बारे में ये सब बातें बोलते हैं दिस पर्सन डजेंट लाइक यू दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट ईगोइस्टिक नार्सिसिस्ट हो सकते हैं ये बोलते हैं कि आप बहुत ईगोस्टिक हो आप बहुत नाराज़ हो जाते हो आप बहुत गु़स्सा हो जाते हो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है वो ये कहने की कोशिश करते हैं ये इंसान आपको बहुत छोटा समझते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पोजिशन में बैठे हुए हैं वो ये देखते हैं कि आप यू uh, नो you know, एक छोटे पोजीशन में हो समथिंग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान कुछ लोगों के लिए आपके फादर हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है ये आपके कोई घर में कोई बड़े इंसान हो सकते हैं तो कि चाचा मामा कोई भी हो सकते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है वो आपके बारे में ये सारी बातें बोलते हैं जो आपको बिल्कुल भी अंदर से पसंद नहीं करते और आपको दिखाते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं ये कोई भी हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो आपके बैक में सारी बातें बोलते हैं कुछ लोगों के लिए मजिशियन तो ये इंसान एक मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं जो आपके बारे में बोल रहे हैं वो ये बोलते हैं कि आपके पास सब कुछ है दिस पर्सन डजेंट लाइक इट कि आपके पास सब कुछ है ओके दे डोंट लाइक इट आपको सब कुछ मिल रहा है आपको यू you नो know, आप मैनिफेस्ट करते हो आप भगवान जी को प्रे करते हो स्पिरिचुअलिटी में आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं वो चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं है मजिशियन के साथ ओके okay? आप के फैमिली में आपके घर में सब कुछ है ये इस पर्सन को पसंद नहीं है नेक्स्ट इस केप्रिकॉन कोई केप्रिकॉन हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करता है वो आपके बारे में बातें बना रहे हैं ओके okay? वो कहते हैं कि आप बहुत डेविलिश ईवलिश हो आप एक मॉन्स्टर हो आपके यू नो you know, आपके अंदर बहुत गंदी गंदी क्वालिटीज़ हैं आप बहुत ही एडिक्टेड हो ड्रंकर्ड हो या फिर यू नो सिगरेट स्मोकिंग करते हो या गलत चीज़ें करते हो यू नो सेक्स एडिक्स हो समथिंग लाइक दैट वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में बोलते हैं ओके okay? एंड uh, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपको डेविल समझते हैं ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स भी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लेडीज़ कर रही हैं एक अंकल uh, बोलने वाली थी तो मैं एक अंकल हो सकते हैं या आपके आंट हो सकती हैं आपके मामा मामी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करते उन्होंने किया है ये सब कुछ ओके ब्लैक मैजिक का यहाँ पर पूरा पूरा नज़र आ रहा है जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े लाइफ में एज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यू uh, नो you know, आप कुछ लोग प्रेग्नेंट हो गए और कुछ लोगों के लिए यू uh, नो you know, आपके घर में uh, बच्चे हो सकते हैं इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आपके बच्चे हैं और इस इंसान के बच्चे नहीं हो सकते दस जस्ट चैनल मैसेज तो आपको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है कुछ लोग ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ जो लीगल मैटर में फंसे हुए हैं और इस बच्चे की वजह से फंसे हुए हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है वो लोग आपके बैक में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं उनके फैमिली में कोई उनके फादर फिगर हो सकता है मदर हो सकती है कोई डेविलिश लेडी हो सकती है सिस्टर हो सकती है जो आपके बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे हैं ओके okay गाइस अब देख लेते हैं इंसान जो भी हैं जो भी हैं एक्स वाई जी क्या बोलते हैं आपके बारे में ओके okay, वो ये बोल रहे हैं कि आप डम्ब हैं पहला कार्ड अब वो कुछ नहीं आता आप नालायक हो ऐसे बोलते हैं आपके बारे में ओके okay. डिस्टर्बिंग ये इंसान बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंसान है आप इनको डिस्टर्ब करते हो बार बार फ़ोन करते होंगे मैसेज करते होंगे परेशान करते होंगे वो सब इनको पसंद नहीं है क्लेवर ये बोलते हैं कि आप बहुत चालू चंड हो आप शीप के कपड़े आ, यू नो पहन के एक वुल्फ हो आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो चालू चंड चलाक हो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके में बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स जंप हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे आपके ब्लैक मैजिक किसी ने किया है और एस ऑफ कप्स के साथ पानी के साथ किया होगा दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज ओके okay, कुछ लोगों के लिए ये इंसान वन नाइट स्टैंड में आपको डाला होगा इस इंसान ने या वन नाइट स्टैंड प्रोडक्ट बोल रहे हैं वो आप ऐसे प्रोडक्ट हो जो सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए आ, सही हो और कमिटमेंट के लिए सही नहीं हो ये कह रहे हैं सफोकेटिंग आप बहुत सफोकेटिंग इंसान हैं आप दूसरों को सफोकेट करते हो समथिंग लाइक दैट फसी आप बहुत फजी हो और दूसरों को भी कन्फ्यूज रखते हुए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि गो टू हेल्प आप भाड़ में जाओ ऐसा बोल रहे हैं सो so, वो चाहते हैं कि आप भाड़ की भट्टी के अंदर जाए समथिंग ओके पिग हेडेड आप पिग की तरह हो पिग का दिमाग बिल्कुल चलता नहीं है तो डेफिनेटली उसका दिमाग नहीं है तभी तो वो पॉटी खाता है ओके okay, इसीलिए तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप पिग हेडेड हो समथिंग लाइक दैट ओके नेक्स्ट इज फकिंग क्रैप यू आर अ फकिंग क्रैप वो ये सब बातें आपके बारे में बोलते हैं जो भी ये लोग हैं ओके नॉन सेंस आप नॉन सेंस इंसान हैं आपको कुछ नहीं आता दिमाग आपका चलता है, नहीं है रिवेंच ये इंसान आपसे बदला लेना चाहते हैं तो इनसे बच के रहेगा अगर ये आपके पास आते हैं और आपको रोना धोना दिखाते हैं एक्टिंग करते हैं तो ये सच्ची में ये इंसान आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं नफ़रत करते हैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं बेसिकली एक दो और मैसेजेस निकाल लेते हैं और आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा टिकटॉक एडिक्ट इस इंसान टिकटॉक एडिक्ट हो सकते हैं पहले अब बंद कर दिया हो मेकअप क्वीन ये इंसान बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेक मेकअप करते हैं आप टिकटॉक एडिक्ट हैं आपको टिकटॉक बनाना बहुत पसंद है स्कैरी आप बहुत डरावने लगते हो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्राई बेबी आप हमेशा रोते रहते हो ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप रोंदड़ू हो बहुत ज़्यादा ओके चीप आप बहुत ज़्यादा चीप इंसान हैं और कमिटमेंट फोबिक आपको कमिटमेंट देने से डर लगता है वो ये कहते हैं ओके सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज अब सब ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल इज एवन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच हेलो वेलकम बैक पायलम्बर थेरी जिन्होंने भी ये फोन चूज किया था ओके okay. सो so, आप uh, काफ़ी एज आपकी ज़्यादा हो सकती है थर्टी से ऊपर हो सकती है कुछ लोगों की दरअस चैनल मैसेज और कुछ लोग के पास ये वाला फोन होगा नोकिया वाला जो बहुत पुराना था ओके okay. सो या इंसान से आपकी फोन पे कभी बात हुई होगी ओके गाइस सो दीज आर योर कार्ड द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ शोर्ट लिब्रा जमेना एक्वेरियस एरिस टॉरस वर्गो केप्रिकोन है एरिस लिब्रा जमुना एक्वेरिस सबसे हेवी है इस रीडिंग पे और टॉरस वर्गो केप्रिकॉन भी है तो ये सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं पाइल नंबर वन भी आप चेक कर सकते हो वहाँ पे लिब्रा जमुना एक्वेरिस काफ़ी हेवी था उसका कंटिन्यूशन हो सकता है ये अब ये इंसान से आपकी पहले बातचीत रही होगी नाइट की एनर्जी में हो रहा इन एंड आउट रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान के साथ आपका जो आपके बारे में सब बोल रहे हैं या आपने कभी ऑनलाइन में किसी से कम्युनिकेट किया हो सकता है वो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं ऐसा मुझे नज़र आ रहा है वो ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट हैं चीज़ों में आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हैं डिसीजन लेना नहीं आता आपको डिसीजन मेकिंग में आप पीछे हैं और आप जल्द हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे और आप हमेशा जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हो जिसके वजह से आपको मूँगी खानी पड़ती है समथिंग लाइक दैट और आप बहुत ज़्यादा बातूनी है आपको ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है तो इस इंसान ज़्यादा बोलते नहीं होंगे जो भी आपके बारे में बोल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा बातूनी हैं पढ़ 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 बहुत ज़्यादा बोलते हैं ओके समथिंग लाइक दैट ओके एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोगों का वन नाइट स्टैंड हुआ होगा इस इंसान के साथ या फिर किसी ने आपको पैशनेटली यूज़ किया होगा आपके प्रोजेक्ट में काम करते होंगे आपके साथ वर्क किया हो सकता है इस इंसान आपके मैनेजर हो सकते हैं आपके टीम लीडर हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जिसने आपको इस्तेमाल किया एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ और अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा लिया और ख़ुद को आगे बढ़ा लिया और बहुत पैसा कमाया उसने और आपको बर्बाद कर दिया आपकी नौकरी खा गया ठीक है समथिंग लाइक दैट और ये इंसान ये भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं आपके आप अच्छे इंसान नहीं हो ये भी कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे वो ये कहते होंगे उनकी एनर्जीज यही दिखाती हैं यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू ओके नेक्स्ट कार्ड है आपका पेंटिकल्स का तो ये इस इंसान ने आपकी जॉब छीनी हो सकती है आपके कोई भी मैनेजर हो सकते हैं आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं इगोस्टिक हो सकते हैं बाइपोलर हो सकते हैं वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं सैडिस्ट हो सकते हैं या फिर आ, वो हो सकते हैं क्या बोलते हैं उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं ये इंसान ओके okay? रोड पे कपड़े उतार देते होंगे चिल्लाने लग जाते होंगे पागलों की तरह बाइपोलर हो सकते हैं ये और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है इस इंसान को ठीक है गई सो so, ये इंसान यू नो आपके बारे में बोलते हैं कि आ, आपके पास पैसे नहीं हैं आप बहुत गरीब हो आप बहुत बेचारे हो सौ सौ रुपए में लोगों की मदद करते हो आपके पास पैसे नहीं हैं यू आर नथिंग यू आर जीरो अंडा एंड आप uh, पैसों के लिए परेशान हो रहे हो आपको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो सकते हो इस इंसान के साथ कुछ लोग कुछ लोगों का यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा यू you नो know, बोलते हैं कि आपके पास पैसे नहीं तो आपको पैसों से हेल्प करते होंगे और आपको सुनाते भी होंगे समथिंग लाइक दैट ओके कुछ लोगों के लिए विद द टेन ऑफ सॉर्ट्स कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको बैक स्टैप कर दिया है आपका सब कुछ छीना है इनके बाल बहुत घुघराले हो सकते हैं आपके हो सकते हैं काफ़ी मैस्कुलिन बॉडी हो सकती है जिन्होंने आपको चीट किया है अब ये बोल रहे हैं कि आपने इस इंसान को चीट किया है जबकि ऐसा नहीं है ओके okay? आप देख सकते हो इंसान यहाँ पर बिल्कुल चीटेड है इसके सामने से ही बैक स्टेप कर दिया बैक साइड से भी नहीं किया ये आपके पीठ पीछे नहीं आपके सामने भी ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक यू दे हेट यू ये कभी नहीं चाहते आप लाइफ में आगे बढ़े गई ओके ये ऐसे लोग हैं नेक्स्ट इज आपका फोर ऑफ शॉर्ट्स आपने इनको हाथ जोड़ के दिखा दिया होगा आप अपने घर में खुश हैं आप सब ठीक रेस्ट कर रहे हो रेजिवनेट कर रहे हो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आपने अपना घर बनाया आप आ, आराम कर रहे हो आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में ये आपको स्पाई करते रहते हैं आप देख सकते हो खिड़की में दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं या आपके सोशल मीडिया पर पूरा पूरा चेकआउट करते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं आप कहाँ तक पहुँचे क्योंकि ये बर्बाद करना चाहते हैं आपको बाइपोलर लोग ऐसे होते हैं आपको वो बोलेंगे कि कम आ, आ जाइए आपको एक सरप्राइज़ है हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है ठीक है और अंदर आके देखोगे तो दोनों बच्चों को मार डालेंगे वो ऐसे होते हैं ये पागल होते हैं ये ओके जो भी आपके बारे में ये सब बातें बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ आपकी शादी हुई हो सकती है वर्क के थ्रू मिले हो और इस इंसान से आपकी शादी हुई हो और पास्ट में और फिर अब ब्रेकअप हो चुका हो और सेपरेशन में चल रहे हो तो ये भी आपके बारे में बोलते हैं कि आप काफ़ी विक्टोरी विक्टोरियस आप आगे जा रहे हो आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो लोगों लोग अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्होंने स्पेल्स और मैजिक कराया होगा आपके लिए ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी ये चाहते हैं कि आप अच्छा रास्ता कभी ना चुने ओके अब देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या बोलते हैं पर्सनल मैसेजेस से okay. लो वाइब्रेशन एनर्जी वो खुद लोअर वाइब्रेशन में इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन इंसान हैं क्योंकि वो खुद वही है ओके नेक्स्ट इज़ एडिक्शन इस इंसान को कोई एडिक्शंस हो सकते हैं ड्रंकर्ड हो सकते हैं या आप एक यू तो, नो you know, ड्रंकर्ड हो सकते तो ये आपको बोलते हैं कि आप दारूबाज हो समथिंग लाइक दैट या फिर कुछ हो आप समथिंग जिस किसी चीज़ का एडिक्शन है आपको वे टाइम कमिंग ये इंसान वापस आने वाले हैं तो आप इनसे बच के रहिएगा इसी आपको फंसा सकते हैं कहीं पे भी ओके जो भी आपके बैग में बोल रहे हैं बैगर ये आपको बोल रहे हैं कि आप भिखारी हैं आपके पास पैसे नहीं हैं वो थ्री ऑफ पेंटल के साथ आ ही चुका था तो ये इंसान कहते हैं कि आप एक बैगर हो भिखारी कहीं के हो आपको कुछ नहीं आता ओके <laughs> ओके <Okay. laughs> <Okay. laughs> मुझे इस इंसान की सोच पे हंसी आ रही है कि ये क्या क्या बोलते हैं ओके okay? क्योंकि ये पाइल नंबर थ्री आया और सो सोचूस पाइल नंबर थ्री इसीलिए मुझे हंसी आ रही है ओके क्विक टेम्पर वो ये बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा जल्दी आता बट ये असली बात है कि आपको सच्ची बात पे गुस्सा आता होगा वैसे आपको गुस्सा नहीं आता होगा क्योंकि अगर कोई गलत बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही डेफिनेटली किसी को भी आएगा ओके okay, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं दिस इज़ अ हेटर आपका कोई हेटर हो सकता है आपका सोशल मीडिया पे कोई हेटर हो सकता है ये ओके okay? अगली वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सुंदर नहीं है आपका कंप्लेक्शन डार्क हो सकता है तो वो बोल रहे हैं अगली क्योंकि उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि दुनिया में दो ही रंग है एक ब्लैक और एक वाइट ओके और ख़ूबसूरती इंसान के दिल से होती है उसके चेहरे से नहीं सेक्सुअल डिज़ायर इस इंसान को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर है ये आपके साथ सेक्सुअली आना चाहते हैं इसीलिए सब ये बातें बनाते हैं ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं ओके ओवर स्मार्ट वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं क्योंकि वो खुद ही ओवर स्मार्ट के बच्चे हैं ओके दैट्स वाई डिवॉर्स ये पाइल डिवॉर्स इसका है ओके okay. इस पर तो क्लियर है पाइल नंबर थ्री आप डिवोर्स हो सकती है आपके डिवॉर्स के बारे में बातें बना रहे हैं कि इस लड़की का तो डिवॉर्स हो गया तो किसी लायक नहीं है इसका अच्छा हुआ डिवोर्स हो गया दे देर दे बी वो आपके ऊपर हंसेंगे फ़ोन पे ओके ऐसा होगा डिवोर्स हो गया आपका इस इंसान का डिवोर्स हो चुका होगा या चल रहा होगा या आपका चल रहा होगा समथिंग लाइक दैट या ये आपके डिवोर्स के बारे में बोलते हैं चीटर ये इंसान एक चीटर हो सकते हैं ये आपको बोलते हैं कि आप एक चीटर हो आपने इनको चीट किया समथिंग लाइक like मुझे नहीं पता था इस क्या है मूडी आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं इनको अच्छा नहीं लग रहा अन ट्रस्ट वर्दी ये आप ट्रस्ट नहीं करते हैं ये लोग ये बोलते हैं कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं ग्रोइंग आप आगे बढ़ रहे हो इनको अच्छा नहीं लग रहा आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो इनको नफरत हो रही है उस चीज से ओके ओके फैमिली आपके फैमिली के लोग भी आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते आपके मामा मामी हो सकते हैं इन्होंने ही आपका डिवोर्स कराया होगा या फिर यही लोग होंगे जिनकी वजह से आपको डिवोर्स हुआ होगा किसी ड्रंकड़ के साथ आपको फंसा दिया होगा या फिर किसी मेंटल हेल्थ इशू वाले इंसान के साथ आपको फंसाया होगा तो ये आपके फैमिली के लोग भी हैं जो आपके बारे में बोल रहे हैं कि डिवोर्स हो गया डिवोर्स हो गया और ये सब सोशल मीडिया ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आप सोशल मीडिया पर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन रहते हो इनको अच्छा नहीं लगता इनको जलन हो रही है क्योंकि आपका नेट है इनको पेन हो रहा है लेकिन पे आप कर रहे हो ओके कम्युनिटी ये आपके कम्युनिटी के लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं या ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके कम्युनिटी के नहीं हैं ओके ये वो लोग हो सकते हैं कोर्ट आप कोर्ट में फंसे हुए हो ये लोग आपके बारे में ये सब बोल रहे हैं कि कोर्ट केस में फंसा हुआ है फंसी हुई है देखना क्या इसकी लाइफ है इसकी ज़िंदगी खराब हो गई घंटा ये है वो है सब कुछ फालतू ही बकवास करते रहेंगे जिंदगी भर पैट्टी आप बहुत पैट्टी हो ओके हैवी आप थोड़े से हेल्दी हो सकते हो आपके वेट के बारे में ये बोलते हैं ये लोग ओके जो भी हैं ये इम्पर्फेक्ट नेक्स्ट आई डोंट लाइक यू दिस पर्सन डजेंट लाइक यू ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं जो भी हैं ये लोग ठीक है के फैमिली है जो भी है टिकटॉक स्टार आप एक टिकटॉक स्टार हो सकते हो पहले हो सकते हो या अभी बहुत फेमस हो सकते हो टिकटॉक की वजह से ओके okay? कुछ कार्ड्स आए हैं देख लेते हैं इसको भी क्या कहना चाहते हैं ये लोग आपके बारे में शेमलेस वो बोल रहे हैं कि आप शर्मनाक इंसान हैं शेमलेस हैं आपको शर्म नहीं है तो उनको दर्द हो रहा है उस चीज़ से ओके okay? नोटी आप बहुत नोटी इंसान हैं ओके okay? ये बोल रहे हैं वो ब्लैक आपका कंप्लेक्शन ब्लैक हो सकता है तो आपके कलर पे बोलते हैं क्योंकि वो खुद घंटे के वाइट है एंड उनको लगता है कि उनका ही कंप्लेक्शन इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है जबकि कृष्ण जी का रंग भी थोड़ा सा ढला हुआ ही था नास्टी आ, वो बोलते हैं कि आप बहुत नास्टी हो और फिर लास्ट में आपका कार्ड देखिए वो आप सेक्सी हो इसीलिए उनकी जलन हो रही है बहुत तकलीफ हो रही है आपके फ़िगर देखिए ओके इस So, this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel if you need a personal reading. Definitely, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you see in the next video. Bye bye.